इस सफर में नींद ऐसे खो गई, हम ना सोए, रात थक कर सो गई। इस कहानी को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब हम काजा स्पीति के और भी नजदीक पहुंच चुके हैं। Good morning, guys. It's a great day. It's a beautiful day. And we are at this time Tabo pe. We had this beautiful night. We stayed here. Look at the mountains behind me. We did some great astrophotography there last night. So, ki main aapko dikhane wala hu. But behind me is the White Lotus guest house. You can or homestay. Definitely, jab aap yahan pe next time aaye, check this place out because it's a little off the road, but bahut acha property hai. It was hot. It was warm the night. The food was awesome. So it was amazing. But now the plan of action. Is that we're gonna head out to the Tabo Monastery and aap log dekhna Tabo Monastery. Tabo Monastery has great culture. It's one of the oldest monasteries in India. So let's just head there and let me tell you more about it. Let's get going. Chale hawaon ke saath, chal chale pyar mein hum. Chale hawaon ke saath, chal chale. To dosto आकाश भाई और मैं व्हाइट लोटस से निकल चुके हैं, मतलब आप सुन रहे हो, निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं व्हाइट लोटस से हम दोनों रवाना हो चुके हैं। मुसाफिर लोग हमको रास्ते में मिले, आपसे हम खेलेंगे डैश कैम बिकॉज ड्राइव करना भी जरूरी है। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, अब हम पहुंच चुके स्पीति, ड्राइव हो गया इन ताबो नाउ और हम जा रहे हैं ताबो मॉनेस्ट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग मॉनेस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एंड ताबो मॉनेस्ट्री इज फेमस व्हाई बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल हेरिटेज पॉइंट ऑफ स्पीति एज अ वैली। और यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड ईयर्स ओल्ड स्टैचूज, सालों साल पुराने स्टैचूज, एंड यू विल फाइंड इट बीइंग एब्सोल्युटली नेचुरली लिट। तो लाइट्स नेचुरल लाइट से लिट रहता है, दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड, दैट्स व्हाट आई हैव रेड, अब जाके हमें पता चलेगा। सो वी आर हेडिंग इन राइट नाउ, विद मी इज माई बॉय शिवरिक्स। व्हाट इज अप दोस्तों, शिवम शर्मा। तो हम पहुंच चुके हैं ताबो में और अभी हम जाएंगे मोनेस्ट्री, एंड बिलीव मी दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। और आज शायद स्नोफॉल हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडी हो गया ऑलरेडी। यहाँ आकाश भाई को कुछ उनके फॉलोवर्स मिल गए हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं, सो दे फ्रॉम कॉल कर रहा हूं। वे शॉल इट्स ऑल इनसाइड मैन, दे आर इन ताबो राइट नाउ। अरे यू गाइस वांट टू बाय दैट शॉल, वो तो हर जगह मिलती है। अब वो कहां मिलता है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। बताओ इनको शॉल कहां मिलती है। वो सब जगह मिल जाएगा आपको, मनाली में लोकल शॉप, मनाली भी जा रहे, धर्मशाला नहीं। आप आई विल टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी हेडिंग आउट टू शिमला, गो टू द शिमला मॉल रोड एंड गो टू एनी शॉल शॉप, मॉल रोड में पक्का मिलेगा। शांगला में, शांगला में नहीं मिलेगा आपको। मैं बता दूं, यू गो टू शिमला ना, मेकलो, धर्मशाला, पीर और शिमला में तो पक्का मिलेगा। और 400 से ज्यादा मत देना क्योंकि विंटर्स में 400 और ऐसे नॉर्मली 250 guys, so finally हम पहुंच चुके हैं ताबो मॉनेस्ट्री। ताबो मॉनेस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज इन दिस रीजन एंड द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग मॉनेस्ट्री इन दिस रीजन। इसका मतलब ये है कि ताबो मॉनेस्ट्री वाज एक्चुअली बिल्ट इन द, यू कैन सी दैट द होल हिस्ट्री ऑफ द ताबो मॉनेस्ट्री वाज बिल्ट इन द 1996 बाय द किंग ऑफ गुंग ऑफ किंगडम्स ऑफ द वेस्टर्न टिबेट्स। एंड उसके बाद से इट्स बिन हियर। व्हाई सो स्पेशल इज दैट, आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द न्यू मॉनेस्ट्री बट दिस इज द ओल्ड मॉनेस्ट्री व्हिच इज एब्सोल्युटली फैबुलस। मैं अभी अंदर जाकर आया and they have this room which is called the Alora and Ajanta of the Himalayas, and man what beautiful paintings, you can't take the camera inside but I can actually show you from here how it looks. So this is the Ta Monastery, one of the oldest ones. It's made of absolute mud and stone and this is the oldest, like 1996 AD. Oh my god, look at how beautiful it is. Look at the buildings. Wow. This is the main monastery. The Bodhisattva
Maitreya Temple. So these are the temples here. There are a lot of temples, and that is the main temple over there. Wow, it looks so beautiful. So guys, when you're in Thabo, just make sure you're visiting the Thabo Monastery. I think it's a must experience. Ab mujhe samajh aaya iski value, and look at the majestic Himalayas on that side. And it's right next to the river Satluj. So that's why it gets its importance. So if you're here, do a visit. For now, let's head to the next place. Guys, Thabo Monastery is done now, and ab hum log head out kar rahe hain towards Gaza. And Gaza mein we gonna go and stay at Shivam's friend's place. It's called Greece Motor Club. If you guys are planning, definitely check them out. Let's see how it goes. Shivam bahut highly baat karta hai, toh obviously maine jab tak dekha nahi hai, toh expectation usse reality ka game hai. But I'm hoping all the best. But plan of action for today, jaise ki ab aap dekha, Thabo Monastery ke now we gonna head next to. Which monastery? We'll go to Key Monastery. Key Monastery is the next, and uske baad we'll do some off-roading. And tomorrow we're gonna go ahead and go even higher on the altitude. So, abhi experience-wise, it's going fun. It's amazing. Abhi hum ja rahe Gaza, which is the main town of Spiti. Hmm. Achanak se pahadon ke beech mein ek bada sa shahar pop up ho jata hai in middle of nowhere. And ek kahawat hai yahan ki, don't be a gama in the lands of lama. Matlab aaj tak main isko, bhai, generally aapse batau main. मैं समझ नहीं पाएगी बेसिकली इसके पीछे का क्या वो है। Not sure. Okay, if you guys know what exactly it means, then hit us up. It's don't be a gama in the lands of llamas. So आप अगर आपको पता है इसका exact meaning क्या है तो आप comment sections में please बता दो, हमें भी थोड़ा idea मिल जाएगा। And बाकी यार roads enjoy करो, अभी अगली footage में आपको roads दिखाते हैं। Beautiful roads and we are heading towards. I can see a lot of snow. मतलब अचानक से यहाँ पे रेतीले से पहाड़ है, बंजर जमीन, and then there's this white desert in front of us. So let's see. What happens next? Cool. See you. भाई सुन, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। हाँ ब्रो, क्या कह रहे? पत्थर गिर रहे, भगाने? हाँ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोई बोट में क्या होगा ना, ऊपर वो पत्थर फेंकना नीचे। स्पीति गाजा का मेन ड्रिल चालू हो गया है, थोड़ी रोड खराब हो गई है, हम आ चुके हैं अब फोर लो पे, सॉरी फोर हाई पे, मतलब फोर व्हील ड्राइव। अरे दोस्तों, ये ऊपर देखो व्लॉग के अंदर एक और व्लॉग, क्योंकि मेरे को भी अपने जनता को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। लैंडस्लाइड्स और पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। अब फिलहाल के लिए हम दोनों, हम कॉन्वॉय में सिर्फ दो गाड़ियाँ हैं फिलहाल, और हम दोनों साथ में, बिल्कुल साथ में जा रहे हैं, और ये देखते हुए जा रहे हैं कि पत्थर हम जितने अवॉइड कर सके उतने कर रहे हैं। और ये देखो सस्पेंशन देख रहे हो भाई गाड़ी के, सस्पेंशन रोड सस्पेंशन इतने सही है कि गाड़ी बाउंस हो जाती है, लेकिन रोड से इधर से उधर भी नहीं होती। बाय द वे, हैव अ लुक एट द व्यू दोस्तों, बहुत क्रेजी जगह है। जितनी बार भी स्पीति आता हूँ, हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। ओ भाई साहब, रास्ता पूरा बंद हो गया। सो गाइस, अब आगे रोड इज शट राइट नाउ। पत्थर गिर चुके हैं ठीक ठाक। उतर के रखी कर, उसे बोल उतर के रखी कार। सो गाइस, अब पत्थर गिरे हुए हैं सामने, एंड वी राइड क्रॉस दिस टेरेन अगेन। देखो पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, उसमें क्विकली क्रॉस दिस, गाड़ी फोर लो पे है, क्रेजी टेरेन। थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है, पीछे बहुत ज्यादा पत्थर लैंडस्लाइड हो रही थी ऊपर से, और अचानक से एक बड़ा पत्थर भगवान ना करे ऐसा हो, गिर जाए तो गेम खत्म। स्टिल यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज ने बहुत सी चीजें सही कर रखी है, बट सही है नहीं भी है। पीछे आपने देखा होगा, अगर व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ होगा, हम आपको दिखाएंगे इसमें हुआ होगा, शायद छह सात लोग रोड साफ कर रहे थे, और वो जो झाड़ू उन्होंने बना रखा है, दैट्स टोटली मेड आउट ऑफ वुड, तो लकड़ियों का पूरा, क्योंकि यहाँ पे पूरा रास्ता खराब है, तो जगह जगह लोग साफ करने रहते, क्योंकि पत्थर ऊपर से गिरता रहता है, तो रोड क्लियर करने के लिए लोग हैं वैसे यहाँ पे, बट स्टिल इट्स डेंजरस। गाइस, माय एडवाइस टू यू इज, अगर आप पहाड़ों पे पहली बार आ रहे हैं, आप 4x4 रेंट कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं,
डोंट थिंक दैट डे वन यू आर अ ऑफ रोडर और या आप इन टेरेन्स पे गाड़ी चला सकते हैं. दीज टेरेन्स आर अ लिटिल ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग. तीन चीज़ें जो मैं रिकमेंड करता हूँ. पहली बात, द फर्स्ट डे व्हेन यू गेट योर कार, अंडरस्टैंड द फील ऑफ द माउंटेंस. ठीक है, पहाड़ों में ना रूल्स होते हैं कुछ गाड़ी चलाने के जो मैं हमेशा बताता हूँ. ऑलवेज रिस्पेक्ट द वन हु इज कमिंग अप हिल. जो भी पहाड़ ऊपर चढ़ रहा है उसका पहला राइट है वो क्रॉस करने का, क्योंकि उसकी गाड़ी एक मोमेंटम में है. आप उसकी गाड़ी का मोमेंटम अगर आपने तोड़ दिया देन ही और शी वुड बी इन डीप ट्रबल्स, बिकॉज उसको भी गेट डाउन करके गाड़ी रुकनी पड़ेगी एंड पीछे वाला सब रुक जाता है. सेकेंड थिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड इज टू स्टे इन योर लेन. पहाड़ों में ना गाइज लेन्स तो होती नहीं है, साइड्स होती हैं. तो अगर आप टूवर्ड्स द क्लिफ्स चला रहे हैं तो आपको टूवर्ड्स, अगर आप टर्न भी काट रहे हैं तो आपको बाहर की तरफ से ही टर्न काटना है, बिकॉज अगर आप शॉर्ट हैंड टर्न काटेंगे देयर आर हायर चांसेस दैट द कार कमिंग डाउन कैन बैंग विद यू इन अ हेड ऑन कोलिशन. ओके, एंड द थर्ड एंड द लास्ट एडवाइस टू यू इज डोंट थिंक यू आर अ फनिक. हां, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट दे सी. दिस का व्यू द दिस वन द क्लब है और यहां हमारा स्टे हो रहा है. ओह या What's up guys, finally touched down Kaza and right now we are at the Greece Motor Club. This is the world's highest Royal Enfield showroom. So this is of our friends Rohit bhai, unka hai ye. So definitely you're coming here, you stay here because he also has dorm stay here which we're gonna stay in. So it's gonna be amazing, but look at the view. Right now just time pe yahan pe 4 feet snow hoti thi. There's no snow thanks to global warming, but you can see the snow is right there. But all being said, looks fantabulous, looks super, and abhi chal ke andar chai wai peete hain. So guys, ये रहा हमारा डॉर्म रूम, तो उतार लो. So रोहित भाई जी, welcome to my vlog. This is बहुत बढ़िया. Third vlog on YouTube. Guys, तंदूर बुखारी. काफी टाइम से मैं यही चाह रहा हूँ कि लो. This is my place. जब वो कब से पहले हो गए? Looks amazing, man. How does it feel? Good. Amazing. So, it's a good stay, man. So we're gonna stay here for the next 2 days. Maybe three, maybe four, maybe five, maybe the whole week. Depend करता है, but good environment, guys. Check this out. Side links description में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके follow कर लेना. Sorry. Oh, इन्हें टांग तोड़ दिया इसका. लकड़ी समेत आ जाएगी. ये सीबक थॉन की चाय है. सीबक थॉन क्या होता है? It's wild berry. Achha. Which is found in like Spiti and Leh and all. Achha. Which is highest vitamin C content. Very nice. और altitude sickness के लिए बहुत अच्छी होती है. Awesome. अरे मैंने हाथ भी. Thank you. टिपक थॉन की चाय पिया. Start. Tastes like a super. Amazing. टिपक थॉन. Cheers. You have in front of you.